हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। आइए कंटिन्यू करते हैं पिछला क्लास को। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर तीन कंडीशन में आपको, वाटर जो होता है आपका कोल्ड भी हो सकता है, कोल्ड वाटर भी हो सकता है, हॉट वाटर के फेज में भी हो सकता है या स्टीम के फेज में भी हो सकता है। तो तीनों कंडीशन लेकर हम देखते हैं, ये तीन कंडीशन लेकर देखते हैं। तो क्या होता है, अगर आप मेटल को वाटर में अगर आप डालते हैं तो वो क्या करता है, हम लोग पहले पढ़े थे मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। यदि अगर वो सोल्यूबल हुआ तो फर्दर क्या करेगा, फर्दर वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या फॉर्म करेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, ऐसा होता है, पढ़े थे आप पिछला बार, पहले आपको पढ़ाया है कि मेटल जो वाटर के साथ करता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अगर वही सोल्यूबल होगा, अल्कली जिसको बोलते हैं, अगर वाटर में सोल्यूबल है तो सोल्यूबल होने की वजह से वो क्या करता है, फर्दर वाटर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और डिजॉल्व हो जाता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर देखिए यहाँ ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कोई जरूरी नहीं है कि सारा मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यही फॉर्म होगा, कोई जरूरी नहीं है। हम ये जो है मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगर वो डिजॉल्व रहेगा तो फर्दर वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ये भी इतना भी नहीं बनेगा। ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी नहीं बनाएगा, ये पहला फेज भी नहीं बनाएगा। कब, जब जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। ठीक है, अब देखिए कुछ केस में है जो नहीं होगा, बताते हैं। देखिए मान लीजिए पोटासियम दिया, ठीक, पोटासियम आपको वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और आपको हीट आएगा, हीट होगा। अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा, इतना वायलेंट और इतना एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होता है, इतना ज्यादा हीट डेवलप होता है कि जैसे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, ये रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर आया तो वो कैचेज फायर, उसमें आग लग जाती है। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा वो एक्सोथर्मिक होता है, इतना ज्यादा हीटेड होता है ना, कि इसकी वजह से वो आग लग जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग देखे थे सोडियम और पोटासियम को ऐसे ही नॉर्मल एयर में रख रहे थे तो क्या हो रहा था, कैच कर रहा था फायर। अब देखिए इसलिए हम लोग किरोसिन में उसको रखते हैं। अब देखिए सोडियम और पोटासियम जो है वायलेंट रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ, जब कोल्ड वाटर में इसको हम डालेंगे ना सोडियम को या पोटासियम को, तो इतना भयानक रिएक्शन होगा कि आग लग जाएगा। ठीक है, वो H2 इवॉल्व होता है, वो देखिए जैसे हम देखेंगे ये वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, इसमें हम डालें, इवन कोल्ड वाटर में ये खेला हो रहा है तो हॉट वाटर में और ज्यादा होगा। ठीक है, स्टीम में और ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको नॉर्मल पे भी नहीं रखते, एयर में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए ये इवन द कोल्ड वाटर ये इतना खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही वाटर में आप डाल रहे हैं सोडियम तो आग क्या लग रहा है, आग सोडियम में लग रहा है, आग सोडियम में नहीं लग रहा है। एक्चुअली सोडियम या पोटासियम जो भी है, ये दोनों, इस दोनों का रिएक्शन होकर पोटासियम हाइड्रोक्साइड अंदर बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, हीट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है और वायलेंट एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो चूंकि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, वो हाइड्रोजन गैस में कैचेज फायर, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस हीट की वजह से फायर हो जाता है। तो हाइड्रोजन, तो हम लोग वो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, और सोडियम ये रिएक्शन होगा तो सोडियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि सोडियम आग लगा, एक्चुअली आग कहाँ लग रहा है, हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है और उसके वजह से वो हीटेड की वजह से वो कैच फायर हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए तो सोडियम पोटेशियम बहुत वायलेंट रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर, इवन कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और ज्यादा करेगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए कैल्शियम जो है वो क्या होता है, अगर कैल्शियम को सेम हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक, वाटर में अगर हम कैल्शियम को डालते हैं ये कोल्ड वाटर में तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, अल्कली है, अल्कली जानते हैं कि नहीं, तो अल्कली है ये, तो अल्कली है तो ये पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर जाके वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसके बाद देखिए ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस आएगा और हीट होगा, लेकिन ये कैच नहीं करेगा फायर। इस केस में जो हाइड्रोजन गैस है वो इतना ज्यादा हीट नहीं जनरेट होता है कि वो फायर कैच कर ले फायर, इसलिए ये कैच नहीं करता फायर। एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो हुआ तो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो बबल्स के फॉर्म में निकलने की कोशिश करता है, कोई भी गैस होता है जो वाटर में तो बबल्स के फॉर्म में निकलने की कोशिश करता है। अब ये जो बबल्स के फॉर्म में निकलने की कोशिश करेगा तो वही बबल जो होता है हाइड्रोजन गैस का, वो जो सरफेस है, तो इट सरफेस से क्या होता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, कौन, जैसे कैल्शियम दिए, तो कैल्शियम जो है आपका मेटल है, तो ये कैल्शियम मेटल के सरफेस से क्या होगा, जैसे ये कैल्शियम का टुकड़ा डालिएगा तो उसके सरफेस पर से चिपक जाएगा, और चिपकने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हल्का होता है ना ऊपर आने की, और डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पड़े होंगे, तो क्या करता है उसके वजह से इसको ऐसा कंडीशन एराइज हो जाता है कि वो क्या होने लगता है, कैल्शियम, ये मेटल जो है आपका कैल्शियम का, वो फ्लोट होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उस हाइड्रोजन गैस उसमें चिपकता है, हाइड्रोजन गैस उससे स्टिक करने लग जाता है, और लोअर डेंसिटी के वो क्या चाहेगा, वो चाहता है
हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, डेंसिटी कम होगा ना, जैसे बबल्स बना तो उसका डेंसिटी कम हो गया और वाटर के कंपेयर में, तो और जो विद इन उसके वाटर है तो वो क्या करता है, उसको ऊपर लेके जाएगा तो वो फ्लोट करवा देता है कैल्शियम को, ठीक है। उसी तरह से आप मैग्नीशियम भी देखेगा, मैग्नीशियम को जो जब रिएक्शन देखेगा ना, तो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होता ही नहीं, अगर कोल्ड वाटर में आप मैग्नीशियम डाल के देखिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वही कैल्शियम को डाल के आप देखिएगा कोल्ड वाटर में तो रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है अगर हॉट वाटर में मैग्नीशियम को डालते हैं तब रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होता है तो ये इसको भी क्या होता है, ये सेम चीज होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस आएगा, हीट होगा, ये कैच भी नहीं करेगा फायर, और उसके बाद ये क्या होता है, इसके सरफेस से स्टिक करने लगेगा, मैग्नीशियम जो मेटल है उसके सरफेस से स्टिक करने लगेगा और इसको मैग्नीशियम को फ्लोट करवा देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एल्युमिनियम के साथ करके देखिए, एल्युमिनियम को वाटर के साथ आप कीजिएगा तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आयरन के साथ करवाइएगा, आयरन का वाटर के साथ होगा तो क्या होगा, ये बनेगा आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस एक फेरस ऑक्साइड भी होता है। अब देखें ये जो है इस तरह से बना रस्ट, रस्ट वगैरह आप देखें मैग्नेटाइट वगैरह का, तो अब देखें यहाँ पे बेसिक पॉइंट बात करते हैं, जैसे आयरन है तो आयरन वाटर के साथ किया तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाया, लेकिन ये जो कंडीशन आ रहा है कि एल्युमिनियम आयरन और जिंक, जैसे एल्युमिनियम का लिए आयरन का लिए, इसी तरह से आप जिंक का भी करके देख सकते हैं, जेडन डालिए यहाँ वाटर के साथ क्या लेगा तो क्या बनाएगा, जेडन OH के हॉट ऑक्साइड बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये तीनों जो रिएक्शन करेगा ना ही कोल्ड वाटर के साथ करेगा ना ही हॉट वाटर के साथ करेगा, ये स्टीम के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। हॉट में डालिए कोल्ड में डालिए कुछ नहीं होगा एल्युमिनियम आयरन जिंक डालने से, लेकिन स्टीम में करवाइएगा तो होगा। ये लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड इसका रिएक्शन वाटर के किसी भी फेज में नहीं होता, नहीं हॉट वाटर नहीं कोल्ड वाटर नहीं स्टीम के साथ। अब देखिए कि क्या होता है जब हम मेटल को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, अभी हम मेटल को रिएक्ट किए हैं वाटर के साथ तो क्या हुआ वो हम आपको दिखाएं, ठीक है। अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे मेटल को कभी भी, जैसे सोडियम है पोटासियम है मेटल है, लेकिन एसिड के साथ इसको रिएक्ट नहीं कराना, एसिड के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन और बहुत खतरनाक और बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ये चीज हैंडल भी नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे सोडियम पोटासियम नॉर्मल में नॉर्मल एयर में रख रहे हैं तो आग लग रहा है, कोल्ड में रख रहे हैं इवन हो जा रहा है, तो सोडियम पोटासियम को इसमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम क्यों करवाना की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं इसका रिएक्टिविटी कैसे होगा। जैसे नॉर्मल में कोल्ड में तो ये नहीं हो रहा ना, एल्युमिनियम आयरन जिंक जो है कोल्ड में नहीं हो रहा है, ना हॉट में हो रहा है ना स्टीम में हो रहा है, तो अब हम देख रहे हैं कि एसिड में होगा कि नहीं, क्योंकि एक एसिड है जो इसको करवा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें जब डालने की कोशिश किए मेटल को एसिड के साथ डालने की कोशिश किए तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, मालूम है हम लोग पढ़े थे। तो मेटल जैसे ही एसिड मतलब एसिड हमेशा कंसंट्रेटेड एसिड में कुछ होगा नहीं होगा, डायलूट होना चाहिए, तो डायलूट एसिड होना चाहिए, या एसिड को हम AQ लिख दिए तो कोई भी डायलूटेड एसिड लीजिए मतलब उसमें वाटर है, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जो जब ये रिएक्शन होता है तो जो हाइड्रोजन गैस बनता है तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इस बबल्स के बनने का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, कितना विगोरसली, जितना जल्दी बन रहा मतलब उतना विगोरसली रिएक्शन हो रहा है उसमें, उतना जल्दी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल बदल रहा है किसमें, साल्ट में और हाइड्रोजन गैस में। अब देखिए यही अगर चीज डाला जाता है, देखा जाता है कि मैग्नीशियम डाल के अगर देखिएगा इस चीज को, मैग्नीशियम डाल के आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम डाल के आप देखिएगा तो बहुत फास्टेस्ट होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स जो हो रहा होता है हाइड्रोजन गैस बबल्स, वो बहुत फास्ट हो रहा है। बबल्स में क्या है, हाइड्रोजन गैस है वाटर बबल्स में, तो वो बहुत फास्ट होता है, तो मैग्नीशियम बहुत फास्ट होता है। फिर आप देखिएगा तो एल्युमिनियम आएगा, उसके बाद जिंक में, उसके बाद आयरन में, तो इस तरह से ये एक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होता है। तो रिएक्टिविटी में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होता है, जिंक तब आयरन, ठीक है। इस तरह से अगर इस चार को अरेंज किया जाएगा तो कॉपर को अगर आप रिएक्शन करवाइएगा ना एसिड के साथ तो नहीं होता है इसका रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखा गया कि कोई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ही नहीं हो रहा, कोई मतलब इवन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स तो दूर की बात है कि किस रेट से हो रहा है, वो फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा बबल्स का, नहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर ऐसे इसमें अगर आप देखते हैं मैग्नीशियम को डाल के एल्युमिनियम को डाल के तो ये फास्टेड होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स भी होता है, प्लस एक्सोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर वगैरह भी आपको हीट देगा, आउट करेगा। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे आप देखिएगा तो कॉपर के साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो मतलब कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। कॉपर जो है, कॉपर मेटल, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शन में भी कुछ है। जैसे अभी हम देखें कि मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है, लेकिन यही मेटल को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए तो नहीं, आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, ये नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद को क्या करेगा, ये खुद क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा और वाटर दे देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा आपको, और खुद रिड्यूस हो जाएगा, और क्या होगा, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रोजन का क्या फॉर्म बना सकते हैं, N2O बना सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO बना सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बना सकते हैं, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिकली क्या होता है, वाटर आउट कर देता है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि कोई जरूरी नहीं है कि सब में होता है ऐसा, लेकिन
और एक्सेप्शन में भी एक ये क्या है कि आप जब इसी नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज को करवाते हैं रिएक्शन, तब हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। उसके लिए भी आपको जो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट ही नहीं वेरी डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए। HNO3 जितना, क्योंकि हम बताएं आपको कि चीजें जो हो रही होती है रिएक्शन वगैरह तो उसमें कंसंट्रेटेड नहीं डायल्यूट रहता है तब होता है। तो डायल्यूट और बहुत ज्यादा डायल्यूट होगा तो वो एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि वो क्या होता है रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर कर देता है। तो ये चीज आप फैक्ट है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। एक और एरिया क्या होता है, एक और एरिया क्या होता है कि ये भी मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड का मिक्सचर होता है। किस रेशियो में होता है, इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली, मतलब तीन तीन रेशियो आपका HCl का रहेगा और वन इसका रहेगा। मतलब अगर वॉल्यूम वाइज देखिएगा तो HCl तीन टाइम्स ज्यादा होगा नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, नाइट्रिक एसिड से ज्यादा होगा तीन टाइम्स HCl। और ये जब एक्वा क्या बनता है, जैसे गोल्ड लिए या प्लेटिनियम लिए, अगर आप कंसंट्रेटेड HCl में डालिएगा तो भी डिजॉल्व नहीं करेगा, लेकिन यही एक्वा जब ये दोनों मिलकर एक मिक्सचर बन गया जिसको एक्वा बोलते हैं, तो इसमें आपका गोल्ड प्लेटिनियम डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अभी आपको फिर रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे, अभी थोड़ा सा बचा हुआ इसको आगे बताते हैं आपको।